अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रूपा। आज हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से तरीके से करेले गोश्त बनाएंगे। करेले गोश्त को आपने कट कर लेना है और इसमें से बीज निकाल लेना है। अब हम इसको यहाँ पर पानी में भिगो देंगे। नमक डाल के हमें पानी में भिगोना है ताकि इसकी जितनी भी कड़वाहटपन है वो निकल जाए। 2 से 3 चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल के पानी में भिगो दिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिएगा। 1 घंटे के बाद हम इसको फिर कुक करेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब इसका हमें पानी को खुश्क करना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से पानी को खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे अब हम तेल डाल रहे हैं ताकि हम अपने करेले को फ्राई कर लें। करेले को डीप फ्राई करना है कि कड़क हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी हमें इसको बनाना है। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिएगा, उसके बाद करेले को इसमें ऐड कर दिएगा। तो यहाँ पर हमारे करेले अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी भी जो करेले बचे हुए हैं मैं उसे भी फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर उसके बाद इसी तेल में हम यहाँ पर सालन बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर प्याज डाल दूँगी। 2 बड़ी प्याज ले लें, अगर 2 बड़ी प्याज नहीं है तो फिर आप जो है 5 स्मॉल साइज़ की प्याज ले सकते हैं और इसी तरीके से स्लाइस में कट कर लें। यहाँ पर मैं हाफ ब्राउन और हाफ वाइट रखूँगी प्याज को। इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर को ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर हाफ ब्राउन और हाफ वाइट हो चुका है, अब मैं यहाँ पर टमाटर को ऐड कर रही हूँ। तो टमाटर को आपने बड़े बड़े क्यूब्स में काटने हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। बड़े क्यूब में जब हम कट करते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे क्यूब में कट करेंगे तो वो देर से भी गलेंगे और मुँह में भी आएंगे। तो यहाँ पर अब हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच के करीब हल्दी, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और यहाँ पर 2.5 चम्मच के करीब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। करेले में हम ऑलरेडी सॉल्ट डाल चुके थे, तो यहाँ पर मैं 1 पिंच के करीब जो है सॉल्ट डालूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सॉल्ट कम इसी वजह से भी डाले क्योंकि यखनी में भी सॉल्ट होगा और फिर उसके बाद करेले में भी। तो यहाँ पर अब हम दही डाल रहे हैं। दही कम से कम हमें 1 कप के करीब डालना है। और अगर आपको दही की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देखें, ये घर का बना हुआ दही है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। तो मैं 15 मिनट के बाद देख रही हूँ तो ये अच्छे से हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है यखनी जो हमने मटन की बना ली थी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यखनी जिस तरीके से हम चिकन की बना चुके हैं चैनल पर है, उसी तरीके से बस मटन की बनानी है। चिकन की जगह यहाँ पर हम मटन का बकरे का गोश्त डाल देंगे। तो अब सारी यखनी और गोश्त हम इसमें डाल देंगे। ये 1 kg के करीब गोश्त है और उसकी हमने यखनी बना के इसमें ऐड करी है। यखनी को हमें इतनी देर पकाना है कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर अब हम अगेन ढककर रख देंगे और इतना पकाएंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए। तो मैं 5 मिनट बाद देख रही हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पर अच्छे से हमारा खाना जो है कुक हो रहा है। मैं अगेन यहाँ पर लो फ्लेम पर इसको ढक के रखूँगी। 20 मिनट के बाद मैं देखूँगी तो काफ़ी पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इसी स्टेज पर अब हम यहाँ पर जो हमने फ्राई कर लिए थे करेले वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करेले को ऐड करने के बाद हमें अगेन ढक के रखना है और पूरा पानी खुश्क होने देना है। जितना भी पानी है इसके अंदर वो अब हम इसको खुश्क होने देंगे। तो अच्छे से इसको आप चला लें और फिर उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे। चलाने के बाद अब हम यहाँ पर ढक देंगे अगेन और लो फ्लेम पे अब हम यहाँ पर रखेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये खुश्क हो जाए। तो 1/2 घंटे में मेरा ये खुश्क हो गया था पानी। इसके बाद मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।